जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। लगातार जिस तरीके से पिछले एक सप्ताह से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किस दशक का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लगातार अनुभवी लोग जो इस क्षेत्र के हैं वो ये बताते हैं कि ऐसी जो भयावह स्थिति आज बन पड़ी है हमारे बीच, ये बहुत सालों के बाद आया है। आखिर क्यों हुआ है ऐसा, गंगा क्यों बढ़ के इतना भयावह रूप स्वरूप ले लिया है, और ग्रामीण लोगों की जिस प्रकार से समस्याएं हैं, किस तरीके से उनके घर में पूरा पानी घुस गया है, किस तरीके से उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, यहाँ तक कि पशु अब जान माल की भी क्षति होनी शुरू हो गई है। हमारे साथ लगातार अभी मैं सीमा में हूँ, एक कठवा बोलते हैं इसको, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया जी के पुत्र हैं हमारे साथ, और तमाम ग्रामीण के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको तुरंत मुहैया होनी चाहिए थी ऐसी विषम परिस्थिति में। क्या नाम है सर आपका? रुपेश कुमार। रुपेश जी, क्या माहौल है यहाँ का? पानी से पूरा गिलथिल पड़ा हुआ है, न यहाँ खाने बनाने का भी व्यवस्था पड़ रहा है, माल जाल का चारा उड़ा भी कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत तकलीफ में जी रहे हैं। बहुत तकलीफ में जी रहे हैं। किसी भी तरह की मतलब प्रशासनिक लोग आपसे मिलने आए, या किस कोई भी तरह का, जैसे विधानसभा है, मटिहानी है, विधायक जी आए, या किसी भी तरह का कोई वैसा सहयोग जो आपको प्रशासनिक रूप से मिला हो? नहीं आए थे, सिर्फ हमारे मुखिया जी के लोग आए हैं। बस सिर्फ मुखिया जी के लोग आए हैं। चलिए, जिस तरीके से पूरा माहौल है उसको देखकर ये समझ में आता है कि ऐसी व्यवस्था, जब यहाँ तक हम आकर खड़े हो गए हैं कि पानी हर एक घर में है, इसका शायद अंदाजा किसी लोगों ने नहीं लगाया था, पर कयास लगाए जा रहे थे शुरुआत से ही कि इस बार बाढ़ का मौसम बहुत भयावह होने वाला है। हमारे साथ बने हुए हैं मुखिया जी के पुत्र, क्या नाम है आपका? राघव कुमार। राघव जी, क्या माहौल है? आप तो पूरे गाँव में घूम रहे हैं हमारे साथ, आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, तो क्या लगता है आपको, प्रशासन को कितना एक्टिव होना चाहिए था ऐसे माहौल में? प्रशासन एक्टिव थी। अच्छा। आज से चार महीना पहले कागज पे लिखने के लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही बाढ़ आई, प्रशासन एक्टिव है ऑफिस में बैठने के लिए। अच्छा। प्रशासन को मैं लगातार, एक ग्रुप है जिसके माध्यम से, कॉल के माध्यम से लगभग 7 दिनों से कह रहा हूँ कि सर स्थिति खराब होने वाली है, सर बोरा दिया जाए, सर पशुओं के लिए चारा दिया जाए, लेकिन आज तक कोई नहीं आए थे। लेकिन आज सुबह जब मैंने डीएम को रोते हुए बिलखते हुए फोन किया कि सर अगर आज भी नहीं आए तो हम लोग मार खा सकते हैं, क्योंकि निचले प्रतिनिधि कि हिस्से उतने ही काम आता है, आप सिर्फ आश्वासन दे सकते हैं। लेकिन पिछले 5 दिनों से जो हम लोग कर रहे थे, लग रहा था कि इस बार भी हम झूठे आश्वासन दे। इस बार भी मैंने इसलिए बोला चूंकि 2019 में भी बाढ़ आई थी, लेकिन इन लोगों को मुआवजा अब तक नहीं मिला। झेलना हम लोगों को इसलिए पड़ता है, लोगों का कहना होता है कि ग्रामीण स्तर में निगम पार्षद को भी लोग मुखिया जी ही कहते, मुखिया जी घर तक पानी नहीं गिलवाए, हल पैसा नहीं मिला। अच्छा जी। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार जी की अकर्मण्यता कहें कि पटना भी, अकर्मण्यता कह रहे हैं आप? बिल्कुल, सुशासन बाबू हैं। सुशासन बाबू सिर्फ कहने के लिए। अच्छा, पूरा अच्छा। पटना डूब चुका था। अकर्मण्य हूँ आपके हिसाब से? पूरा पटना डूब चुका था। अच्छा। उसके पटना में नहीं पैसा दिए, इसलिए पूरे बिहार में कहीं पैसा नहीं दिया। अच्छा। एक तो ये जगह नगर निगम के लायक नहीं था, और मुझे लगता है ग्रामीणों के सहयोग से, हम लोगों के प्रयास से बहुत जल्द नगर निगम वार्ड नंबर 18 पंचायत में तब्दील होगा। अच्छा। तो ये जो नगर निगम वार्ड नंबर 18 है, जब से नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हुआ है, निगम के कोई पदाधिकारी न्याय करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज जब मैंने बात की तो आज आपसे थोड़ी देर पहले एसडीएम, सीओ और नगर आयुक्त आए थे और ढांढस बंधा के गए हैं, पूर्व मेयर भी आए थे कि आज से राशन, जो भोजन है, पका हुआ भोजन मिलेगा। भोजन तो सिर्फ मिलेगा, लेकिन पशुओं के लिए चारा कौन देगा? देखिए, आप किचन के लिए बात कर रहे हैं डीएम साहब, और आपके विधायक की जो फोटो, उस किचन का क्या होगा? विधायक जी की मैं बात करना चाहूंगा, बहुत अच्छे आदमी हैं विधायक। अच्छा, जी। अच्छा। लोगों ने बड़े ही चाव से चुना था। अच्छा। लगा था कि कुछ बदलाव आएगा, लेकिन पता चला जिस दिन विधायक जी आए थे, उस दिन शाम में मैंने मैसेज भी किया लेकिन कोई जवाब नहीं है। विधायक जी आए थे, निश्चित रूप से आए थे, एसडीएम साहब साथ में थे, गाड़ी घूमी थी विधायक। किचन की क्या, जो किचन आज तक नगर निगम में किचन स्टार्ट नहीं हुआ है, आज उम्मीद मिली है कि आज से स्टार्ट हो जाएगा पंचायत का। तो हाल तो मेरे कल से ही सब जगह शेयर किया जा, वायरल हो रहा है फोटो, कल से ही वायरल हो रहा है। किन विधायक जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल आपके विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ लोग भूखे, आप जनता से पूछ सकते हैं, और आप यहाँ हाल देख रहे हैं, घूम के देख लीजिए, कहीं किचन के स्टार्ट नहीं हुए, आज से शायद स्टार्ट होने वाला। अच्छा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम निचले प्रतिनिधि क्या कर सकते हैं? आपको एक बात बताते हैं, आप उतने भी निचले नहीं हैं। मैं एक बात बताता हूँ आपको, बिहार की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति एक पंचायत से उठकर ही ऊपर उठती है, ठीक है ना? कोई आदमी पहले मुखिया बनते हैं, फिर विधायक बनते हैं, फिर सांसद बनते हैं, फिर सब कुछ होता है।
तो ये जो पूरा माहौल है, मैं घूम रहा हूँ बाढ़ के क्षेत्रों में, लोग कह रहे हैं कि विधायक तो आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि तो आ रहे हैं, आश्वासन तो मिल रहा है, प्रशासनिक लोग आ रहे पर काम कुछ नहीं हो रहा। आइए इनसे बात करते हैं, क्या हाल है दादा? अभी आपके घर का हम तस्वीर ले रहे थे तो पूरा एकदम डूबा हुआ है, मतलब आप लग रहा था इतना ज्यादा पानी के अंदर थे। क्या माहौल है? माहौल बहुत खराब है। अच्छा, न खाने का है, न रहने का है, न बैठने का है, कुछ व्यवस्था नहीं है, न कोई आ रहे हैं देखने के लिए, सिर्फ मुखिया जी छोड़कर। अच्छा, गाय माल भी पालते हैं? हाँ। कितना गाय है आपके पास अभी? 8 है। 8 गो है, तो भोजन उसको कैसे आ रहा है अभी? चरा कर रखते हैं, आधे पेट खाता है, भूखे रहता है, भूखे पेट रह रहा है। दूध होता था 5 सेर, एक सिर भी दूध नहीं होने के लिए तैयार नहीं है। कुछ कहिएगा, भूखे पेट क्या होगा? कुछ कहिएगा जिला प्रशासन को, जिला प्रशासन मदद करे, हेल्प करे, और क्या कहे ना, जब देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। लगातार एक सप्ताह जनता कह रहा है क्षेत्र का हेल्प। हाँ, ये हेल्प तो हुआ, कुछ नहीं हेल्प हो रहा है, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। अच्छा, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ मिला आपको? एक रुपया नहीं, चूड़ा कुछ कुछ नहीं, कहीं का कुछ नहीं, बोगो बाबू भी कहीं कुछ नहीं। देखिए, जितने कहने का तो जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट लेते हैं, कोई बन जाते हैं, किन्हीं का हार होता है, पर इस तरह में मैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, आप हारे या जीते, ये जनता वही है जो कभी आपको जिताती है, कभी आपको हराती है। ठीक है, तो सबके लिए प्यार एक समान रखिए अपने दिल में। ऐसा नहीं है कि हार गए तो हम नहीं निकलेंगे घर से, बिल्कुल यही एक समय है, वाजिब समय है, जब आप अपनी जनता के बीच जाएं, अपना प्यार और अपना स्नेह बांटें, क्योंकि ये दौर इतना भयावह है कि जब तक हम लोग साथ में मिलकर नहीं आएंगे इनके लिए, तब तक कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ, मैं हूं अविनाश भट्ट। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बीच में जोड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आज एक वीडियो आया था, जब देश के किसी हिस्से में बाढ़ आती है, प्राकृतिक आपदाएं, हम युवा भी क्राउड फंडिंग करते हैं, उनके लिए करते हैं, लेकिन बिहार में जब बाढ़ आती है, आपने पहल की इस चीज की? बिल्कुल किया। अच्छा, और कल से हम इस सुविधा में लगेंगे और हर क्षेत्र में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको बीएनपी परिवार की ओर से, आप बहुत अच्छा काम करें। लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी।